जावेद अख्तर ने हनी ईरानी से की थी लव मैरिज। शबाना से मिले तो बरसों पुरानी शादी तोड़ने में नहीं की देर। पति पत्नी के बीच वो बनकर आई थी शबाना, तो एक्टर ने पहली पत्नी को दिया था उनके लिए छोड़। अपनी कलम के बलबूते पर बॉलीवुड में सफलता का नगमा लिखने वाले कलाकार है जावेद अख्तर। जावेद अपनी गजलों के लिए जाने जाते हैं और इसी के साथ उन्होंने बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में भी दी, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहे हैं जावेद। जी हाँ, उन्होंने दो दो बार शादी की। पहली शादी होने के बावजूद वो शबाना आज़मी के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे और खुद अपने हाथों से उन्होंने अपने बसे बसाए घर को आग लगा दी थी। 17 जनवरी 1945 को जन्मे जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर कवि, गीतकार और स्क्रीन राइटर है। कभी भूखे पेट रहकर सड़कों पर आसमान के नीचे अपनी रातें बिताने वाले जावेद ने मेहनत के बदौलत सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अलग पहचान बनाई। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जावेद का असली नाम जादू था। अपने नाम की तरह ही जादू जावेद ने सिनेमा की दुनिया में भी बखूबी जादू चलाया, लेकिन जब बात दिल की आई तो जावेद के दिल पर जादू चलाने वाली शख्सियत थी हनी ईरानी। खास बात ये है कि जावेद और हनी का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है। इन दोनों के दिल के तार तब मिले जब साल 1972 में दोनों की मुलाकात फिल्म सीता और गीता के दौरान हुई। फिर एक दिन ताश खेलते वक्त जावेद ने हनी से शादी करने का फैसला ले लिया। जावेद 27 साल के थे और उस वक्त हनी महज 17 साल की थी। हनी की माँ इस रिश्ते से नाखुश थी, लेकिन फिर साल 1972 में दोनों ने शादी कर ली, जिससे उन्हें दो बच्चे फरहान और जोया हुए। लेकिन इस खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में तूफान तो तब आया जब ये दो बच्चों के पिता जावेद अख्तर एक्ट्रेस शबाना को दिल दे बैठे। दरअसल जावेद अख्तर शबाना के पिता कैफी आजमी के पास लिखने की कला के गुण सीखने जाते थे। उसी दौरान जावेद का शबाना संग रिश्ता गहरा होता चला गया। वहीं शबाना संग जावेद की नजदीकियों की खबर जब उनकी पत्नी हनी ईरानी तक पहुंची, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये महज अफवाह है। उन्हें यकीन था कि जावेद उन्हें धोखा नहीं देंगे, लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं पाया, जिसके बाद जावेद और हनी के घर में कलेश होने लगा। जावेद उस वक्त परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर बीवी और दो बच्चों की जिम्मेदारियां थी, लेकिन वो शबाना को भूल नहीं पा रहे थे। फिर भी जावेद ने पत्नी हनी को खुद से दूर कर लिया, लेकिन पति की बेवफाई से परेशान होकर हनी ईरानी ने साल 1978 में जावेद से तलाक ले लिया। दूसरी और 6 साल तक डेटिंग करने के बाद जावेद ने शबाना से दूसरी शादी कर ली। जावेद के लिए शबाना अपने पिता से भी बगावत कर बैठी थी। इन दोनों के लिए प्यार करना और निभाना आसान तो नहीं था, लेकिन हर मुश्किल से लड़कर दोनों ने अपने रिश्ते को निभाया और फिर साल 1984 में जावेद अख्तर और शबाना ने निकाह कर लिया। शबाना की कोई औलाद नहीं है, मेडिकल कंडीशन के चलते वो कभी माँ नहीं बन पाई, लेकिन वो जावेद और हनी ईरानी के बच्चे फरहान और जोया अख्तर को अपने बच्चों के जैसा ही मानती है।